हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को, जिन मूवी की स्टोरी, डायरेक्शन, एक्टिंग और ट्विस्ट और टर्न ने सभी को आकर्षित किया। इस वीडियो में हम पूरी मूवी को समझेंगे और उसकी एंडिंग को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है क्रिमिनल। मूवी की शुरुआत में हमें बिल पॉप नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक इंटेलिजेंट एजेंट है CIA लंदन का। बिल पॉप एक शॉप में जाता है, वहाँ एक लेडी से वह बोलता है, मेरी वाइफ यहाँ आई थी, उन्होंने एक ब्राउन बैग ऑर्डर किया था। तब वो लड़की एक ब्लैक बैग देकर बोलती है, सर हमारे पास ब्राउन बैग नहीं है। बिल उस बैग को खोलता है और उस बैग में एक पासपोर्ट और कई सारे पैसे होते हैं। बिल उस बैग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलते समय बिल अपनी वाइफ को फोन लगाता है और फोन पर बात करते समय उसे महसूस होता है कि कुछ लोग उस पर नजर रख रहे हैं। बिल अपना फोन एक आदमी की जेब में रखकर बस में चढ़ जाता है और अगले गेट से बस से उतर जाता है और बस का गेट बंद हो जाता है। बिल का पीछा एक आदमी कर रहा होता है, वह बस में ही रह जाता है। बिल किसी की बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें लंदन का CIA ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ क्विकर वेल्स को दिखाया जाता है, जो कि ऑपरेशन हेड है। वहाँ काम कर रही एक एजेंट क्विकर को बता रही होती है कि बिल ब्रिज से गायब हो गया है। तब क्विकर बोलता है वो 20 मिनट से दिखाई नहीं दिया है, हर स्क्रीन पर नजर रखकर बिल को जल्दी ढूंढो। अगले सीन में हमें बिल पॉप एक अंडरग्राउंड स्टेशन पर जाता हुआ दिखाई देता है और स्टेशन में लगे कैमरे की मदद से CIA ऑफिस के लोग बिल पॉप को डिटेक्ट कर लेते हैं। CIA एजेंट क्विकर को बताती है पॉप मिल गया है, पर उसके पास वह पैसों वाला बैग नहीं है। स्टेशन पर भी कुछ लोग बिल का पीछा कर रहे होते हैं। बिल स्टेशन से निकलकर एक टैक्सी पकड़ लेता है। टैक्सी वाला पूछता है कहाँ जाओगे, तब बिल बोलता है बस यहाँ से जल्दी निकलो। तब बिल का पीछा कर रही महिला किसी को फोन लगाकर उस टैक्सी का नंबर और उसका कलर बताती है। महिला यह फोन हेम डायल को लगाती है और वो अब अपने लैपटॉप पर टैक्सी और उस ड्राइवर की जानकारी निकाल रहा होता है। बिल पॉप उस टैक्सी ड्राइवर का मोबाइल मांगता है और उस मोबाइल से मैसेज वह CIA ऑफिस में करता है और मैसेज में वह लिखता है कि उन्होंने इसे घेर लिया है। वहीं क्विकर अपने ऑफिस में सीमेंट फैक्ट्री को जल्द ही खाली करने को बोलता है, जिसकी लोकेशन GPS द्वारा ड्राइवर के मोबाइल फोन पर भेज दी जाती है। बिल ड्राइवर को वहां ले जाने को कहता है। यहां हेम डायल अपने लैपटॉप से उस मोबाइल को हैक कर सीमेंट फैक्ट्री की लोकेशन को चेंज कर देता है और अब वह मोबाइल किसी और ही जगह की लोकेशन दिखा रहा होता है और वहाँ टैक्सी बिल को किसी और ही लोकेशन पर ले जा रही होती है। वहाँ पहुँच कर बिल को समझ आता है कि वह सीमेंट फैक्ट्री नहीं है। बिल का पीछा कुछ और लोग कर रहे होते हैं, जो बिल पर हमला कर देते हैं। बिल उन पर गन से जवाबी कार्रवाई करता है और जवाबी कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग में जाकर छुप जाता है, जहां उसकी गन में अब गोलियां खत्म हो चुकी है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि CIA ऑफिस में सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि बिल उस सीमेंट फैक्ट्री में नहीं पहुंचा। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बिल को कुछ लोग बंदी बना लेते हैं। वहां हेम डायल आता है, जो बिल से किसी डच मैन का पता पूछता है, पर बिल के नहीं बताने पर हेम डायल उसे शॉक देता है। और उसके अगले सीन में हम देख पाते हैं कि CIA की टीम ड्राइवर के GPS की सहायता से उस जगह पर पहुंच चुकी है, जहां बिल को वो टैक्सी ड्राइवर ले गया था। यहां बिल्डिंग के अंदर बिल CIA टीम को एक चेयर से बंधा हुआ नजर आता है और वो अब मर चुका है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि डॉक्टर फ्रैंक अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और उनके ऑफिस में कोई आदमी एक सरकारी काम से आता है। वो डॉक्टर फ्रैंक को बताता है, मैं आपको यहां से ले जाना चाहता हूं। हम आपका मेमोरी प्रोग्राम टेस्ट करना चाहते हैं। हमारा एक ऑफिसर है जो मर चुका है, हमें उसकी मेमोरी किसी भी कंडीशन में बचानी है। तब डॉक्टर फ्रैंक बताते हैं इस तकनीक को इंसानों में आजमाने के लिए अभी 5 साल का समय और लगेगा। वो आदमी डॉक्टर फ्रैंक से बोलता है, आपके पास सिर्फ 48 घंटे है, राष्ट्र सुरक्षा पर खतरा है। और वो आदमी डॉक्टर फ्रैंक से पूछता है, क्या आप किसी मरे हुए इंसान की मेमोरी को जिंदा इंसान में ला सकते हैं? तब डॉक्टर फ्रैंक बोलते हैं हाँ। और आगे डॉक्टर फ्रैंक बताते हैं, मुझे मेरे स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, मुझे मेरे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी और मुझे एक जिंदा इंसान की जरूरत भी पड़ेगी। तब वो आदमी डॉक्टर फ्रैंक से पूछता है, क्या आपके पास ऐसा कोई आदमी है? तब डॉक्टर फ्रैंक बताते है हाँ, पर तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा। मूवी का अगला सीन अमेरिका की एक जेल का होता है, जहाँ पर कुछ ऑफिसर बात कर रहे होते हैं। वो जेल के एक कैदी के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम जेरिको है और उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में बिताई। और वो आदमी थोड़ा सन की किस्म का है, उसे किसी भी इंसान की बिल्कुल परवाह नहीं है और वो कई सारी हत्याएं कर चुका है बहुत बुरी तरह से। जेरिको को कुछ महसूस नहीं होता, न नफरत न मोहब्बत। ये सारी बातें जेल का ऑफिसर CIA टीम को बताता है। अगले सीन में वही सब लोग एक कैदी से मिलने जा रहे होते हैं।
जेरिको के गले में एक चेन बंधी होती है और जेल का ऑफिसर बोलता है ये तुमसे मिलने आए हैं। जेरिको वहां पर खाना मांगता है और उनके साथ जाने से मना कर देता है। तब उसे जेल का स्टाफ डॉट गन से बेहोश कर देता है। जेरिको बेहोश हो जाता है। CIA टीम जेरिको को लंदन ले जा रही होती है। वहीं पर प्लेन में डॉक्टर फ्रैंक जेरिको से पूछते हैं क्या तुम्हारा इससे पहले कोई ऑपरेशन हुआ। इसे सुनकर जेरिको समझ जाता है कि उसका कोई ऑपरेशन होने वाला है। यह सुनकर जेरिको अशांत हो जाता है। डॉक्टर फ्रैंक जेरिको से पूछते हैं बचपन में तुम्हारे सर पर चोट लगी थी, याद है तुम्हें, कैसे लगी थी। तब जेरिको बताता है कि उसके पिता ने उसके गाड़ी से गिरा दिया था जिससे उसे यह चोट लगी थी। मूवी के अगले सीन में हम देख पाते हैं कि हेवियर हेमडॉल का एक व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है। मिस्टर हेमडॉल जो स्टोन हॉर्प इंडस्ट्री के मालिक है, स्पेन की सरकार ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। मिस्टर हेमडॉल आपका इस गंभीर आरोपों के बारे में क्या कहना है। तब हेवियर हेमडॉल बताते हैं अगर सरकार में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूँ, अगर राजनीतिक हत्याओं को उजागर करना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूँ। हेवियर हेमडॉल आगे बताता है कि पुलिस और जज सब लोग इसमें मिले हुए हैं। रिपोर्टर पूछता है क्या आप स्पेन की सरकार का तख्ता पलटना चाहते हैं। तब हेवियर हेमडॉल बताता है स्पेन ही नहीं मैं सारी सरकारों का तख्ता पलटने की बात कर रहा हूँ। राजनेता, कट्टरपंथी, बड़ी बड़ी कंपनियों की धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वॉशिंगटन, बीजिंग, बर्लिन सब कुछ तबाह हो जाएगा और तब लोग समझ पाएंगे कि दुनिया को चलाने का एक बेहतर तरीका है। कुल मिलाकर यहाँ हेवियर हेमडॉल अपनी मंशा जाहिर करता है जिसके अनुसार वह हथियारों से दुनिया के बड़े बड़े शहरों पर हमला करने की योजना बना रहा है। वह सभी देशों की सरकारों को मजबूर कर उन्हें गिराने की बात कर रहा है। हेमडॉल का इंटरव्यू CIA भी देख रही होती है। इसके अगले सीन में हम देख पाते कि जेरिको को पूरी सिक्योरिटी के साथ ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। वहाँ ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर बिल के दिमाग में ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर चुके हैं। CIA टीम डॉक्टर के सहकर्मी से सवाल पूछते हैं क्या बिल की सांसें अभी तक चल रही है। वह सहकर्मी बताता है हाँ, आर्टिफिशियली रूप से हमने उसके शरीर को जिंदा रखा हुआ है पर बिली अब मर चुका है। तब वह कंप्यूटर की तरफ इशारा करके बोलता है जो तुम्हें बिली के दिमाग में हरकत दिख रही है उसका पीछे का दिमाग उसके दिमाग के आगे वाले हिस्से को सिग्नल दे रहा है। बिली का दिमाग अब मर चुका है, उसके दिमाग में अभी भी न्यूरॉन हरकत कर रहे हैं जिससे हम न्यूरॉन का नक्शा बना पाएंगे और उसके लिए हमने जेरिको को चुना है जिसके दिमाग में बचपन में चोट लगी थी और उसे एक बीमारी हो गई। उसके दिमाग के आगे वाला हिस्सा विकसित नहीं हो पाया और ये बीमारी करोड़ों में किसी एक व्यक्ति को होती है। हम जेरिको के दिमाग के अविकसित हिस्से को उत्तेजित करेंगे और वहां पर बिली के न्यूरॉन्स को डालेंगे जिससे बिली की यादें जेरिको में चली जाएगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है। बिली जो कि एक CIA ऑफिसर है वो अब मर चुका है पर उसके पास ऐसी जानकारी है जो CIA को चाहिए। तो अब CIA डॉक्टर फ्रैंक की मदद से बिली की याददाश्त को जेरिको में डालना चाहते हैं ताकि वह महत्वपूर्ण जानकारी पता की जा सके। और इस काम के लिए जेरिको को इसलिए चुना गया क्योंकि उसके दिमाग में बचपन में चोट आई थी और उसके दिमाग का एक हिस्सा विकसित ही नहीं हुआ जिससे उसे मोहब्बत, नफरत कुछ महसूस नहीं होता और इसलिए वह कई लोगों की बुरी तरह से हत्या कर चुका था। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन में सफल होते हैं। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जेरिको को होश आया है और उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। CIA ऑफिसर क्विकर विल्स वहां पर आता है और वो जेरिको को याद करने को बोलता है। क्विकर विल्स बोलता है तुम्हारा नाम बिल पॉप है और तुम CIA के इंटेलिजेंट ऑफिसर हो। और उसके बाद क्विकर जेरिको से डचमैन के बारे में पूछता है क्योंकि डचमैन के बारे में सिर्फ और सिर्फ बिल को पता था। बिल अब मर चुका था और उसकी याददाश्त जेरिको के माइंड में है। क्विकर की बातें सुनकर जेरिको को याद आ जाता है और उसे डचमैन, पैसे, पासपोर्ट और वो सारे विजुअल नजर आने लगते हैं। जेरिको यहाँ पर समझ जाता है कि बहुत सारे पैसे हैं जो किसी जगह पर छुपाए गए हैं बिल के द्वारा जिसकी याददाश्त अब उसके अंदर है। क्योंकि जेरिको एक क्रिमिनल है तो वो क्विकर को मना कर देता है कि उसे इस समय अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा। डॉक्टर के कहने पर क्विकर जेरिको से बिल की बच्ची और उसकी बीबी के बारे में पूछता है। जेरिको को फिर बिल की बच्ची और उसकी बीबी भी याद आ जाती है और उसके विजुअल भी उसके सामने आने लगते हैं पर जेरिको फिर मना कर देता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा। क्विकर डॉक्टर को और उसकी तकनीक को बकवास बताकर वहां से चला जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें CIA का ऑफिस दिखाया जाता है। वहां पर सभी डचमैन का वीडियो देख रहे होते हैं। उस वीडियो में हमें डचमैन कहता हुआ मिलता है कि मैं डचमैन हूँ, US मिलिट्री का कमांड और कंट्रोल सिस्टम इस वक्त मेरे हाथ में है और मैं किसी भी हथियार को चला सकता हूँ और वक्त आने पर उसे रोक भी सकता हूँ। मैं ये प्रोग्राम US के हवाले कर दूंगा अगर तुम मुझे $1 करोड़ और अमेरिकन पासपोर्ट और हिफाजत का भरोसा दो। वहीं दूसरी तरफ डचमैन हमें दिखाया जाता है जो अपने किसी रूम में है और वो किसी नंबर पर फोन लगाने वाला होता है पर वह फोन नहीं लगाता।
डचमैन छुपते छुपाते रूम से बाहर जाता है और किसी एक जगह पर जाकर फोन लगाता है। वह फोन बिल के घर पे लगाता है और बिल को उसे बात कराने के बोलता है। उस फोन को बिल की वाइफ उठाती है जो बोलती है कि बिल मर चुका है, और यह सुनकर डचमैन फोन रख देता है। इन सारे सीन को देखकर हम समझ पाते हैं कि डचमैन के पास US मिलिट्री का कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, और वो US मिलिट्री के हथियारों को कहीं से भी किसी के ऊपर भी चला सकता है। पर CIA एजेंट बिल और उसके बीच एक समझौता होता है कि वो उसे $1 करोड़ देगा और उसे हमेशा के लिए अमेरिका की नागरिकता भी देगा, जहां वो उसके आगे का जीवन आराम से बिता पाए। पर पैसे और पासपोर्ट देने से पहले ही बिल को डेम हायल पकड़ लेता है, जिसे खुद डचमैन चाहिए और उसका वह प्रोग्राम चाहिए जिससे वह US मिलिट्री का कंट्रोल हासिल कर पाए। और इसलिए हेमडायल भी डचमैन का पता जानना चाहता है, और इसलिए CIA भी डचमैन का पता जानना चाहती है, और दोनों ही उसे ढूंढने में लगे हैं। मूवी के अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जेरिको को CIA एजेंट वापस जेल में छोड़ने जा रहे हैं, पर जेरिको कार ड्राइवर पर हमला कर उसे मार देता है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जेरिको कार से निकलकर जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है उसमें बैठे घायल आदमी को कार से निकालकर अपनी सीट पर बिठा देता है और कार में आग लगा देता है, और जेरिको वहां से खुद निकल जाता है। जेरिको वहां से रेस्टोरेंट में जाता है, वहां पर बर्गर खाता है और पैसा मांगने पर दुकानदार को ही डराने लगता है। जेरिको रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी एक गाड़ी में बैठे लोगों के साथ मारपीट करता है और उनकी कार लेकर वहां से चला जाता है। इस सीन को देखकर हम समझ पाते हैं कि जेरिको में दया नाम की कोई चीज नहीं। गाड़ी चलाते समय जेरिको का सर जोर से दर्द करने लगता है और उसके सामने कई सारे विजुअल आने लगते हैं। ये सभी विजुअल वो होते हैं जो बिली ने अपने परिवार के साथ समय बिताया था, मतलब बिल की याददाश्त अब धीरे धीरे जेरिको में आने लगी थी, और उसे वापस वहाँ पैसों का बैग भी नजर आता है और उसे बिल के घर का एड्रेस भी नजर आता है। मूवी के अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जेरिको बिल के घर में पहुंच चुका है और वो सिक्योरिटी कैमरे से बच बचाकर बिल के घर में घुस जाता है और अंदर जाकर बिल की वाइफ को पलंग से बांध देता है। पास ही में रखी बिल और उसकी वाइफ की तस्वीर देखकर वह उस समय थोड़ा रुक जाता है, और इस सीन को देखकर हमें ऐसा लगता है कि जेरिको बिल की वाइफ का रेप कर उसे मारने वाला होता है, पर यहाँ पर वो रुक जाता है। वहाँ से जेरिको बिल की बेटी के रूम में जाता है और उसे सोया हुआ देखकर उसे वापस बिल का खुशहाल परिवार याद आने लगता है। जेरिको वापस वहाँ से बिल की वाइफ के पास जाता है और बिल की वाइफ को छूता है। बिल का बिल की वाइफ के साथ गुजारा हुआ समय याद आने लगता है। वहां से जेरिको बाथरूम जाकर हाथ धोता है और उसे शीशे में बिल नजर आता है। उसे वापस वो पैसों से भरा हुआ बैग दिखाई देने लगता है और जेरिको बिल की वाइफ से पैसों के बैग के बारे में पूछता है। जिल यानी बिल की वाइफ यहां पर बोलती है, मुझे नहीं पता। तब जेरिको बोलता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता जिल। जेरिको जिल के पर्स में से पैसे लेकर और रूम में रखी ज्वेलरी लेकर वहां से निकलता है, और उसी समय जिल अपने पांव से सिक्योरिटी अलार्म बजा देती है, जिसका पता CIA ऑफिस को चलता है। ऑफिस के लोग बिल के घर में फोन लगाते हैं और यहाँ पर जेरिको सिक्योरिटी कोड बताता है और बोलता है एमा ने गलती से बटन दबा दिया होगा। साथ ही वह उस एजेंट को उसके नाम से ही बुलाता है जो फोन के दूसरी तरफ उससे बात कर रहा होता है। बिल के घर के इन सारे सीन को देखकर दोस्तों हम समझ पाते हैं कि अब जेरिको को बिल की सारी बातें याद आ गई है। पासवर्ड, बिल की बीबी का नाम, उसकी बेटी का नाम, सिक्योरिटी कोड और उस एजेंट का नाम भी जिससे वह बात कर रहा था। जेरिको बिल के घर से चला जाता है। अगले सीन में हमें वापस डचमैन दिखाया जाता है। वो अपने लैपटॉप पर वीडियो देखता है जो हेमडायल का होता है। हेमडायल इस वीडियो में डचमैन को वापस अपने साथ आने को बोलता है, नहीं तो वो उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। डचमैन अपना नया वीडियो बनाकर उसे रशियन एम्बेसी के बाहर पेनड्राइव में छोड़ता है। उस वीडियो में वह कहता है कि अमेरिका ने उसे धोखा दिया है और अब अमेरिका उसे मारना चाहता है, और वो रशिया को वो प्रोग्राम देगा जिसमें अमेरिकन मिलिट्री का कमांड और कंट्रोल सिस्टम उसके हाथ में है। ऐसा वो तब करेगा जब रशिया उसे $1 करोड़ देगा और रशियन पासपोर्ट देगा और रशिया की नागरिकता देगा। डचमैन उस वीडियो में बताता है कि US मिलिट्री के हथियारों का काबू उसके हाथ में है और उसका नमूना मैं आज शाम 6 बजे बताऊंगा। अगले सीन में रशियन ऑफिसर बात करते हैं कि हम 6 बजे तक का इंतजार करेंगे, देखेंगे आखिर डचमैन क्या कर सकता है। इधर दूसरी तरफ CIA टीम क्विकर को बताती है बिल के घर में घुसने वाला आदमी जेरिको था, उसे अब सब कुछ याद आ गया है, सिक्योरिटी कोड, पासवर्ड तक उसे याद आ गए हैं। तब क्विकर जल्द से जल्द जेरिको को ढूंढने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ जेरिको बिल के घर से चुराया हुआ सामान बेचता है, पर वह बिल की बेटी का चांदी का ब्रश नहीं बेचता। इस सीन को देखकर हम समझ पाते हैं कि जेरिको में बिल की याददाश्त के साथ साथ अब उसके परिवार के प्रति प्रेम भी उभर कर आ रहा है। अगले सीन में जेरिको एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पर फूड ऑर्डर करता है और रेस्टोरेंट में काम कर रही लड़की से पूछता है, मैंने अभी क्या बोला। लड़की जेरिको को बताती है कि उसने किस किस आइटम का नाम लिया। तब जेरिको बोलता है, वाह मैं स्पेनिश बोलने लगा हूँ। तब उसके पास ही खड़ा एक आदमी बोलता है, ये फ्रेंच है गधे। जेरिको उस आदमी को मुक्का मारता है और काफी के पैसे दिए बिना ही वहां से निकल जाता है। ये सीन देखकर हम समझ पाते हैं कि जेरिको वो भाषा बोलने लगा है
जो उसे आती भी नहीं है और उसे ये भी नहीं पता है कि वो भाषा कौन सी है, क्योंकि ये भाषा बिल को आती थी जिसकी याददाश्त अब जेरिको में है। रेस्टोरेंट से बाहर जेरिको को वापस वो पैसों से भरा हुआ बैग याद आता है जिसे उसने किसी लाइब्रेरी में छुपाया था। जेरिको लाइब्रेरी में जाता है पर वो वहाँ देखता है कि वह वो लाइब्रेरी नहीं जिसमें उसने बैग छुपाया था। जेरिको लाइब्रेरी के कंप्यूटर से बिल के अकाउंट में लॉगिन होता है और वहाँ से कुछ जानकारियाँ निकालता है। CIA को यह बात पता चल जाती है कि जेरिको ने बिल के अकाउंट में लॉगिन करके CIA सिक्योरिटी सिस्टम से डॉक्टर फ्रैंक का नंबर निकाला है जिसने उसका ऑपरेशन किया था। CIA ऑफिस से कीकर डॉक्टर फ्रैंक को कॉल करता है और वो डॉक्टर फ्रैंक को बताता है जेरिको आपके पास आ रहा है, आप फोन मत काटना। इतनी देर में जेरिको वहां पर पहुंच जाता है। जेरिको डॉक्टर फ्रैंक को बताता है मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है, मुझे बिल की यादें सता रही है। तब डॉक्टर फ्रैंक बोलते हैं क्या बिल की सारी यादें तुमको याद है, और डॉक्टर फ्रैंक दवाई के लिए उसे एक मेडिकल शॉप पर वहां से ले जाते हैं, जहां जेरिको मेडिकल शॉप पर जाकर दवाई मांगता है और अपने चिल्लाने पर उन्हें सॉरी भी बोलता है। वो अपनी भाषा में प्लीज और सॉरी जैसे वर्ड को यूज करता है और तो और वो मेडिकल शॉप वाली लड़की को इस बार दवाई के पैसे भी देने लगता है। तब डॉक्टर फ्रैंक जेरिको को बताते हैं कि तुम्हारी पांचों इंद्रियां बिल पॉप की तरह काम कर रही है। तब डॉक्टर फ्रैंक बोलते हैं तुम सुधर रहे हो, तुम अब वो पहले वाले क्रिमिनल नहीं रहे। और इसी के बाद डॉक्टर फ्रैंक यह भी बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे कुछ टेस्ट करने हैं इसके पहले कि बिल पॉप की यादें धुंधली हो जाए। 48 घंटे में बिल पॉप की सारी यादें धुंधली हो जाएगी। तब जेरिको बोलता है उससे पहले मुझे वह पैसों का बैग ढूंढना पड़ेगा जो बिल ने छुपाया था। जेरिको और बिल की सारी बातें CCTV कैमरे की सहायता से हैम डायल भी सुन रहा होता है। मेडिकल शॉप के बाहर CIA की टीम जेरिको को पकड़ लेती है और वहां से ले जाने लगती है। CIA ऑफिस में क्विकर जेरिको से डचमैन के पास ले जाने को कहता है और अगर वह ऐसा करता है तो वह पैसे वाला बैग उसका हो जाएगा और वह आजाद हो जाएगा। जेरिको CIA टीम को डचमैन के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में जेरिको डचमैन के पते को याद करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हेमडायल लंदन हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति की शक्ल को कंप्यूटर के जरिए बदलता है, उसका चेहरा डचमैन जैसा बना देता है ताकि CIA टीम उसे डचमैन समझे। और हवाई अड्डे पर फेस मैपिंग सॉफ्टवेयर भी उस आदमी को डचमैन ही डिटेक्ट करे। वहीं दूसरी तरफ हेमडायल अपने आदमियों को CIA टीम के पीछे भेज देता है जेरिको को पकड़ने के लिए ताकि जेरिको के जरिए वह डचमैन का पता लगा सके। क्विकर को फोन आता है कि डचमैन लंदन हवाई अड्डे पर पकड़ लिया गया है। क्विकर अपनी टीम को जेरिको को वापस जेल ले जाने को कहता है और वो लंदन हवाई अड्डे के लिए निकल जाता है। CIA टीम जेरिको के साथ एक पुल पर से गुजर रही होती है जहां उन्हें हेमडायल के आदमियों द्वारा घेर लिया जाता है। हेमडायल के आदमी पूरी CIA टीम को मार देते हैं पर वो जेरिको पर गोली नहीं चलाते। जेरिको एक गाड़ी में बैठकर उस गाड़ी को सीधा पुल के नीचे पानी में कूदा देता है। दूसरी तरफ लंदन एयरपोर्ट पर कीकर को पता चलता है कि वो आदमी डचमैन नहीं था। जेरिको नदी से निकलकर वहां से भाग जाता है और अब जेरिको के पांव में चोट आ गई है। जेरिको बिल के घर में जाकर पट्टी करता है। उसी समय बिल की बीवी जिल और उसकी बेटी एमा घर पर आ जाते हैं। जिल को घर के बेसमेंट से कुछ आवाज आती है और वो अपनी गन लेकर घर के बेसमेंट में जाकर जेरिको पर अपनी गन तान देती है। जेरिको यहाँ पर जिल से पूछती है क्या तुम बिल के साथ काम करते थे जो तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है। तब जेरिको बताता है CIA ने बिल की सारी यादें मेरे दिमाग में डाल दी है। जिल उसकी ये बातें मानने से इनकार कर देती है। तब जेरिको बिल से जुड़ी बातें जिल को बताता है, जैसे उसकी पहली कार में उसे क्या पसंद था, उसकी बच्ची को क्या पसंद है। और उसके बाद जेरिको ये भी बताता है कि CIA एक आदमी को ढूंढना चाहते हैं, इसलिए CIA ने बिल की याददाश्त को मेरे दिमाग में डाल दिया। जेरिको बोलता मैं यहाँ से चला जाऊंगा पर तुमको और एमा को बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाऊंगा। दूसरी तरफ अब 6 बज चुके हैं। अब डचमैन रशिया को विश्वास दिलाने के लिए एक मिसाइल को फायर करता है और उस मिसाइल को रास्ते में ही ब्लास्ट कर देता है। वहीं बिल के घर में जेरिको अब बिल की बच्ची के साथ खेलने लगता है और रात हो जाती है। बिल की वाइफ जेरिको को वहीं रुकने को कहती है और साथ ही साथ वह बिल के बारे में जेरिको से पूछती है, जैसे कि बिल का आई लव यू बोलने का क्या तरीका था। अब जेरिको अपनी नाक पर उंगली लगाता है और उसके बाद जिल जेरिको से पूछती है कि तुम बिल को महसूस कर पाते हो। जेरिको बोलता है मुझे सब कुछ याद है, बिल तुमसे बहुत प्यार करता था। अगले दिन सुबह जिल जेरिको को कॉफी देती है। तब जेरिको को कफ में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन दिखाई देता है और जेरिको जिल से पूछता है तुम यूनिवर्सिटी में काम करती हो। तब जिल बोलती है हाँ, और जेरिको को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में छुपाया हुआ बैग याद आ जाता है। जेरिको जिल से लाइब्रेरी की पर्सनल रूम की चाबी मांगता है और बोलता है जिल तुम जल्द ही बहुत पैसे वाली बनने वाली हो। चाबी लेकर जेरिको यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जिल और उसकी बेटी को हेमडायल के साथ काम करने वाली लेडी पकड़कर ले जाती है, उसको बंदी बना लेती है। यूनिवर्सिटी के केबिन से जेरिको बैग लेकर निकलने लगता है
तब उसे पर्सनल केबिन के बाहर हेमडायल बैठा हुआ मिलता है और वह करंट के झटके से जेरिको को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ CIA की टीम को एक रशियन एजेंट पोर्ट से उतरकर वेन में बैठता हुआ दिखता है और CIA समझ जाती है कि रशियन लोगों का डचमैन के साथ सौदा तय हो चुका है और वो यहां से डचमैन को ले जाना चाहते हैं। CIA की टीम भी डचमैन को पकड़ने निकलती है क्योंकि वो रशियन से पहले डचमैन को पकड़ना चाहते है। उधर हेमडायल भी जेरिको को डचमैन के पास ले जाने को कहता है, नहीं तो वो बिल की फैमिली को मारने की धमकी देता है। रशियन टीम और CIA उस बिल्डिंग तक पहुंचते हैं जहां डचमैन को छुपाया गया है और CIA की टीम को जेरिको और हेमडायल वहां दिखाई पड़ते हैं। रशियन और CIA की टीम के बीच गोलीबारी चलती है। गोलियों की आवाज सुनकर जेरिको हेमडायल से बोलता है, डचमैन इस बिल्डिंग में नहीं है, वह दूसरी बिल्डिंग में वहाँ ऊपर है। हेमडायल के साथ काम करने वाली लेडी हेमडायल को वहाँ से जाने को कहती है और कहती है, यहाँ CIA और रशियन टीमों के बीच गोलीबारी हो रही है, तुम यहाँ से निकलकर हेलीकॉप्टर के पास चले जाओ, मैं डचमैन को वहाँ पर लेकर आती हूँ। हेमडायल वहाँ से निकल जाता है। जेरिको उस लेडी को और हेमडायल के आदमियों को एक लैब में लेकर जाता है और वहाँ लैब में पड़े हुए एसिड से उन पर हमला कर देता है जिससे वहाँ पर विस्फोट होता है। जेरिको वहां से निकल जाता है और डचमैन के रूम में जाकर उसे पैसा और पासपोर्ट देता है। जेरिको डचमैन से कहता है कि बिल ने तुमसे वादा किया था कि वो तुम्हें पैसा और पासपोर्ट देगा, बिल अब मर चुका है इसलिए यह वादा मैं पूरा कर रहा हूँ। और जेरिको डचमैन से उस प्रोग्राम में कुछ फेर बदल करने को कहता है और डचमैन उसकी बात मानकर प्रोग्राम को थोड़ा बदलता है। उतनी ही देर में हेमडायल के साथ काम करने वाली लेडी वहां पर आ जाती है और वो जेरिको पर गोली चला देती है और डचमैन को प्रोग्राम की पेन ड्राइव देने को कहती है और पेन ड्राइव लेने के बाद वह डचमैन को भी मार देती है। जेरिको पीछे से उस लेडी पर हमला करता है और उसे बेरहमी से वहीं पर मार देता है। जेरिको डचमैन की पेन ड्राइव लेकर बिल्डिंग के नीचे खड़ी एम्बुलेंस लेकर वहां से निकल जाता है और वो हेमडॉल को कॉल करता है कि प्रोग्राम की पेन ड्राइव मेरे पास है। तब हेमडॉल उसे उसकी लोकेशन बताता है और कहता है, अगर तुम पेन ड्राइव लेकर सीधे यहां नहीं आए तो बिल की बच्ची को मैं मार दूंगा। जेरिको हेमडॉल के पास जाने लगता है तभी क्विकर एम्बुलेंस के वायरलेस पर कॉल करके जेरिको को बोलता है, हेमडॉल को वो पेन ड्राइव मत देना, वो सबको मार देगा। जेरिको बोलता है, मुझे बिल के परिवार को बचाना है। जेरिको हेमडॉल की लोकेशन पर पहुंचकर हेमडॉल के सभी आदमियों को मार देता है और एमा बिल की बच्ची हेमडॉल के पास होती है। यहाँ पर हेमडॉल बोलता है, पेन ड्राइव मुझे दे दो नहीं तो इस बच्ची को मार दूंगा। जेरिको पेन ड्राइव को हेलीकॉप्टर के अंदर फेंक देता है। हेमडॉल बच्ची को छोड़कर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और वह जेरिको को गोली मार देता है। इतनी देर में क्विकर जेरिको के पास पहुंचता है तब क्विकर को कॉल आता है और सामने वाला आदमी क्विकर को बताता है कि हेमडायल ने आपकी लोकेशन पर मिसाइल दाग दी है। क्विकर जेरिको से बोलता है, तुमने हम सबको मरवा डाला। तब जेरिको बोलता है, मैंने कहा था मैं सब ठीक कर दूंगा और मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। तब क्विकर बोलता है, किसने? तब जेरिको बोलता है, डचमैन ने सब कुछ ठीक कर दिया है। हेमडायल मिसाइल को अटैक करता है और वो मिसाइल की लोकेशन क्विकर पे होती है। मिसाइल क्विकर की लोकेशन पर आने ही वाली होती है और वहीं से मुड़ जाती है और मुड़कर वहाँ हेमडॉल के हेलीकॉप्टर की तरफ चली जाती है और हेमडॉल का हेलीकॉप्टर पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। मूवी के अगले सीन में जेरिको हमें एक बीच पर दिखाई देता है और डॉक्टर फ्रैंक और क्विकर उस पर नजर बनाए हुए है। तब क्विकर डॉक्टर फ्रैंक से बोलता है, आपको लगता है इससे कोई असर होगा? तब डॉक्टर फ्रैंक बताते हैं, यदि उसे थोड़ा सा याद आ गया तो सब कुछ याद आ जाएगा और बिल पॉप हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, शादी जगह पर लाने पर बात बन जाए। उसी समय बिल की वाइफ जिल और उसकी बच्ची एमा को वहाँ पर लाया जाता है। एमा जेरिको को देखकर उसके पास जाती है और उसे वही सारे विजुअल दिखाई देने लगते हैं जिसमें बिल और जिल एक साथ उसी बीच पर अपना समय बिता रहे होते हैं। और जेरिको अपनी नाक पर अपनी उंगली लगाकर जिल और एमा को बताने की कोशिश करता है कि उसे उनसे प्यार है और उसे सब कुछ याद है। जैसे ही बिल की फैमिली जेरिको के करीब आती है, दूर पीछे खड़ा क्विकर डॉक्टर से बोलता है, यकीन नहीं होता। तब डॉक्टर पूछता है, क्या तुम फिर इसे जेल में डालोगे? तब क्विकर बोलता है, उसे मैं अब काम पर रखूंगा। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी को देखकर हम समझ पाते हैं कि बिल पॉप जो कि अब मर चुका है पर उसका वजूद अभी भी दुनिया में रहेगा। जेरिको जिसे अच्छा बुरा कुछ नहीं पता, उसे कुछ समझ में नहीं आता था। जेरिको प्रेम, क्रूरता और दया जैसी मानवीय भावनाओं के बारे में कुछ नहीं समझता था, पर बिल पॉप की याददाश्त उसके दिमाग में आने के बाद वो फैमिली का मतलब समझता है, बिल की फैमिली को अपनी फैमिली समझता है, वो बिल की तरह बात करने लगता है, उसका व्यवहार भी पूरी तरह से बिल की तरह हो गया था, वो भाषाएं समझने लगा है जो बिल को आती थी। मतलब बिल इस दुनिया में नहीं है पर फिर भी जेरिको का शरीर वो सारे काम कर पाएगा जो बिल कर पाता था। तो दोस्तों, इसे अमर होना नहीं कह सकते क्योंकि बिल अब मर चुका था, पर जेरिको की पांचों इंद्रियां वो काम कर सकती थी जो कि बिल करता था।
जैसे देखना, सोचना, सूंघना, बोलना, स्वाद लेना, ये सारे काम जो बिल का शरीर कर पाता था वो सब अभी भी जेरिको का शरीर करेगा। और बिल की पूरी याददाश्त भी जेरिको के शरीर में होगी और जेरिको को वो सब याद भी रहेगा जो बिल को याद था। तो दोस्तों, इसे अमर होना बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, ये हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, मूवी बहुत अच्छी है और मूवी के कॉन्सेप्ट के तो क्या कहने, यह मूवी पूरे समय आपको बांध कर रखेगी और बिल्कुल बोर भी नहीं होने देगी। पर फिर भी इस मूवी में मुझे कुछ कमी लगी और वो है CIA टीम। इस पूरी मूवी में हेम डायल जो कि खुलेआम घूमता है और CIA टीम को निशाना बनाता रहता है और CIA टीम पूरी मूवी में बस्ती बचाती नजर आती है जो कि एक इंटेलिजेंट एजेंसी है। ये बात हमको थोड़ी हजम नहीं हो पाती, पर मूवी का कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल हटके और अलग लगेगा और मूवी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और आप किस मूवी को समझना चाहते हैं और उससे जुड़े फैक्ट्स को जानना चाहते हैं, ये भी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।